we can see that the manganese is balanced on both these sides. The second thing that we need to balance is our ऑक्सीजन. यहां पे चार ऑक्सीजन है, तो कितने वाटर लगाऊंगा, कहाँ पे लगाऊंगा? फोर वाटर मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड. अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. अब मेरा हाइड्रोजन हो गया कितना यहाँ पे, अब ये 8 हो गया, तो मुझे कितने एच प्लस आयन्स लगाने पड़ेंगे, कहाँ? 8 एच पॉजिटिव ऑन द रिएक्टेंट साइड. अब यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, तो 7 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि डिफरेंस है 5. यानी कि मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे. ये 5 इलेक्ट्रॉन्स मैं कहाँ पे लगाऊंगा? ऑन द रिएक्टेंट साइड. सो मैंने भाई ये कितना, हाउ इज इट सो ह्यूज. ओके इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पे क्यों नहीं लगेंगे? अभी दिखाते हैं बेटा. जैसे सबने कहा ना, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे. 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 नेगेटिव चार्ज. तो अब मेरे रिएक्टेंट साइड में कितने चार्जेस हो गए? 2. और प्रोडक्ट साइड में कितने चार्जेस हैं? 2. ठीक है, इसीलिए रिएक्टेंट साइड में लगाया, सो दैट हमारे दोनों साइड में चार्जेस बैलेंस हो जाए. सर अगर 5 प्रोडक्ट साइड पे लगा देंगे तो 7 7 बैलेंस. अभी देखना देखना बैलेंस होता है कि नहीं. अभी मिटाते 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 मिटाते, आपने कहा कहाँ लगाए? प्रोडक्ट साइड में, राइट. इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव. तो मैंने नेगेटिव 5 लगा दिया. अब नेगेटिव 5 के साथ करूंगा तो यहाँ पे तो -3 चार्जेस हो गए टोटल. गॉट इट ना? तो ऐसे ऐसे देखना पड़ता है, ठीक है. स्टार्टिंग में एक एक स्टेप देखना पड़ता है. एक बार दिमाग में घुस जाए ना तो फिर इट इज वेरी वेरी इजी. सो इज दिस क्लियर हाउ टू बैलेंस अ हाफ रिएक्शन? यस यस. अब लेते हैं, मान लो लेता हूं Cl2O7 2 नेगेटिव इज बिकमिंग ClO3 नेगेटिव. सबसे पहले बैलेंस करना है क्लोरीन को, तो मैं क्या करूंगा? 2 सर, 2. ठीक है, ओके, दिस इज द थिंग. अब मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 7. प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए? 6. तो मुझे 6. एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगाना है, कहाँ लगाऊंगा? प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट साइड में मेरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया. अब मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन आ गया. इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं H प्लस लगाऊंगा. अब ये कितने H प्लस और कहाँ लगाऊंगा? ठीक है, अब मेरे पास रिएक्टेंट साइड में जो मेरे चार्जेस हैं 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो मेरे पास 0 चार्जेस हो गए. और प्रोडक्ट साइड में मेरे पास नेगेटिव 2 चार्जेस हैं. तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन लगाना है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एम आई गोइंग टू पुट एंड वेयर सो दैट बोथ द साइड्स द चार्जेस आर बैलेंस्ड? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रिएक्टेंट साइड. ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर. अब एक और करते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक दूंगा. फिर अब देखते हैं Cr2O7 2 माइनस क्या होता है? डाइक्रोमेट. क्या होता है? डाइक्रोमेट. और ये डाइक्रोमेट बन गया Cr3+. सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करो. एग्जैक्टली. अब यहां पे 7 ऑक्सीजन है, तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और कहां पे? ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 14. तो कहाँ पे मैं लगाऊंगा ये मेरा हाइड्रोजन? अब मेरे रिएक्टेंट साइड में कितने चार्जेस हो गए?
और प्रोडक्ट साइड में कितने चार्जेस हो गए? सिक्स. तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ पे लगाऊंगा? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रिएक्टेंट. अब सिक्स इलेक्ट्रॉन्स लगा दिया, चेक करते हैं, माइनस सिक्स किया तो सिक्स, दोनों इक्वल हो गया यानी कि बैलेंस्ड है. सो आ गया सबको समझ में? बिकॉज पहले जो फुल सिलेबस पेपर आता था ना, उसमें ये सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन होता था. दे यूज टू गिव थ्री रिएक्शंस टू सॉल्व एंड इट यूज टू बी फॉर सिक्स मार्क्स. नाउ आई एम टेकिंग इट कि अब 50 मार्क्स का फर्स्ट टर्म पेपर है, तो कुछ भी ना हो तो ये 10 मार्क्स का आ सकता है बैलेंसिंग. तो अच्छे से करना एंड आई हैव फुल फेथ इन यू ऑल कि यू ऑल कैन डू इट, बिकॉज दिस ईयर्स क्लास 11 का अब्सॉर्प्शन इज वेरी गुड. ठीक है, तो नाउ आई एम गिविंग